गुड इवनिंग गुड इवनिंग बच्चा लोग कैसे हो गुड इवनिंग गार्गियंस हाउ इज एवरीबडी डूइंग क्या हाल चाल बच्चो सॉफ्टवेयर का थोड़ा सा दिक्कत था इसलिए मैं पाँच मिनट लेट हो गई येस yes, बच्चो कैसे हो क्या हाल चाल है तुम्हारा बता दो एम आई ऑडिबल एम आई विजिबल क्या तुम मुझे देख पा रहे हो क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो ओके है तुम्हारा इज येयर ओके हाउ आर यू गार्गियंस कैसे हो रिविज़न किया रिविजन क्या? अगर रिविज़न नहीं करा ना तो देखो बच्चों गड़बड़ फिर गड़बड़ फिर पिटाई फिर ना यहाँ से डिजिटल पिटाई हो जाएगी तुम्हारी ठीक है यहीं से फ्लाइंग चप्पल बना के फेंकेंगे ओके <laughs> Yes बच्चों, फटाफट से बता दो डिड यू रिवाइज डिड यू रिवाइज चैप्टर जो हमने कल पढ़ा था आप लोगों ने रिविज़न करा uh, क्या क्या कौन कौन से होते हैं हमारे एसेंशियल होते हैं कौन से मैक्रो होते हैं कौन से माइक्रो होते हैं रिविजन हुआ था बच्चों यस मैम यस ओके ओके गुड क्रेट जॉब क्रेट जॉब हाँ थैंक यू थैंक यू बच्चों थैंक यू हाँ भाई बिल्कुल यहीं से पड़ेगा फ्लाइंग चप्पल ठीक है अगर तुम रिवीजन नहीं करोगे फिर क्या फायदा मतलब पढ़ाने का कोई फायदा ही नहीं है है ना चलो आज मैं शुरू करूंगी बच्चों अंत में आज हम लोग करेंगे रोल ऑफ दीज मिनरल्स जो हमने माइक्रो एंड मैक्रो कल पढ़े थे ना उनके रोल्स क्या, क्या होते हैं क्या होते हैं वो अंत में करेंगे लेकिन उससे पहले मैं आज शुरू करूंगी बच्चों विल आई स्टार्ट क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन जो होता है उससे शुरू करूंगी ठीक है जल्दी से या फटाफट से आ जाओ फटाफट से आ जाओ एकदम भाग के आ जाओ क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से आज शुरू करेंगे ये सो दिस इज द सेकंड लेक्चर बच्चों मैं ये चैप्टर ना आपका कल कल ट्राई करूंगी कि खत्म हो जाए बट अगर कल मैं आपको बहुत ज़्यादा बिठा के रखूंगी तो ही खत्म हो पाएगा सो तो परसों छोटा सा सेशन होगा अगर कल नहीं हुआ तो परसों छोटा सा सेशन होगा लेकिन परसों ये चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा वी विल बी डन विद दिस चैप्टर ओके नए बच्चे जो आए हैं बच्चों आई एम डॉक्टर गार्गी सिंह पीएचडी एच डी कराए माईकोलॉजी में छः साल से पढ़ा रही हूँ तीन नए स्पीशीज भी डिस्कवर करे हैं फंगस के और दस रिसर्च पेपर लिखने हैं बहुत सारे स्टूडेंट को बच्चों गाइड करा है मेंटोर करा है उनको उनके ड्रीम कॉलेज तक पहुंचाया है अब तुम्हारे साथ भी 100% हंड्रेड ऑनेस्टी और डेडिकेशन के साथ लगी हुई हूँ कि तुम्हारे साथ भी उसी तरह का रिजल्ट रेप्लीकेट कर पाऊँ एंड बच्चों उसमें आपका भी मुझे क्या बोलते हैं उसे सहयोग चाहिए होगा सिर्फ मैं अकेले मेहनत करूंगी उससे कुछ नहीं होता ठीक है उससे कुछ भी नहीं होगा अकेले मेरी मेहनत करने से तो कुछ नहीं होगा एंड आज बच्चों सेवन पी एम बजे मेरा ये सेशन होने वाला है प्लीज़ इसको सब जरूर अटेंड करना बिकॉज आई एम श्योर देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु आर फेसिंग विद दिस प्रॉब्लम हु आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं इतने दिनों से तो मैं उनको बोले जा रही हूँ कि मैं एक सेशन रखूंगी वहां पर आके आप अपनी बात रख सकते हैं स्पेशल पे होगा बच्चों इसका लिंक आपको मेरे चैट बॉक्स में मैंने एक लिंक पिन कराया वो मिल जाएगा बच्चों यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दैट लिंक और आप इस सेशन में पहुंच जाओगे फ्री है आठ आज अपना सात बजे होगा आ जाओ भाई शुरू करते हैं क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन ठीक है क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से शुरू कराऊंगी बच्चों डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या होते हैं क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन क्या है उसके लिए पहले मुझे पता होना चाहिए क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन क्या है मतलब डेफिशिएंसी किसी चीज की कब आएगी मैं उसको डेफिशिएंसी कैसे बोलूंगी तो एक बार पहले समझ ले क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन क्या है क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है बच्चों ये देखो तुम दिन में तुम दिन में चार रोटी खाते हो मान लो तुमने चार रोटी खाई ओके ठीक है यू आर फुल मस्ती में एकदम मस्त चिल करके रह रहे हो तुम चार रोटी खा के ओके लेकिन बच्चों अगर मैं तुम्हें बोलूं कि कम से कम कितनी रोटी तुम्हें खानी है जिससे तुम्हारा चलता रहे ठीक है तुम ऐसा ना हो कि गिर जाओ सो लेट से कि एक रोटी तो इंसान को एक दिन में मतलब मिलनी चाहिए ना कम से कम एक रोटी तो मिले नहीं तो फिर उसके बाद बच्चों दिक्कत हो जाएगी तुम्हारी बॉडी में वैसे मैं एक रोटी तो बहुत कम बोल रही हूँ एटलीस्ट तीन चार रोटी तो सबको मिलनी चाहिए ना दिन में ताकि उसका प्रॉपर फंक्शनिंग होता रहे ठीक है जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड आई एम टेलिंग यू दिस राइट बच्चों तो क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन क्या है क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन वो कॉन्सेंट्रेशन है बच्चों जो मेरे प्लांट को इन एलिमेंट्स का इन न्यूट्रिएंट्स का मिलना ही चाहिए अगर इससे नीचे मैं गई अगर इससे नीचे मैं गई तो मेरे प्लांट में डेफिशिएंसी सिम्टम्स आने लग जाएंगे उसको डिजीज हो सकती है डेफिशिएंसी डिजीजेस हो जाएंगी एंड देन प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी ग्रोथ प्रॉपरली नहीं होगा बच्चों डेवलपमेंट प्रॉपरली नहीं होगा वी नो दैट हाउ दीज यू नो मिनरल न्यूट्रींट्स दे आर इन्वॉल्व डायरेक्टली इन द ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट ऑफ द प्लांट और एनिमल दोनों की बात करूँ तो प्लांट में भी और एनिमल में भी ठीक बात है है ना नहीं होगा नहीं होगा बिल्कुल अरे नहीं मैम दो रोटी काफ़ी है अरे ऐसा थोड़े ना होता है अरे ऐसा थोड़े ना ये बात थोड़े ना आज आपको नोट्स मिल जाएंगे बच्चों आज हाथ से लिखे हुए नोट्स आपके पास पहुंच जाएंगे ठीक है आपके पास पहुंच जाएंगे बच्चों हाथ से ये कौन बोल रहा है मैम आपके पीछे ब्लर हो रहा है कोई बात नहीं वंदना मेरे पीछे ब्लर हो रहा है बट आपको लिखा हुआ ठीक दिखना चाहिए मेरे मेरा छोड़ो मेरा छोड़ो ओके चलिए जी हाँ जी क्रिटिकल so, कॉन्सेंट्रेशन वो कॉन्सेंट्रेशन है बच्चों अगर इससे कम मेरे प्लांट को मिला तो डेफिशिएंसी हो जाएगी ठीक है तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स आने लग जाएंगे लिखो इसको लिख लो अभी के अभी लिखो इसे नोट्स आपको हैंड रिटन आज मिल जाएंगे कहां पे मिलेंगे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे ठीक है और अगर किसी को और भी दिक्कत हो रही है कि और कहां कैसे मैम टारगेट्स कहाँ देती है मैम क्वेश्चन कहाँ देती हैं तो बच्चों यहां पे लिंक जो मैंने आपको शेयर करा हुआ है ना या फिर आज सात बजे का जो सेशन है वो जरूर अटेंड कर लेना कि कहाँ पे नोट्स मिलते हैं कहाँ पे यू नो क्वेश्चंस मिलते हैं कहाँ पर मैम अपना सारा टाइम टेबल शेयर करती है तो ये सात बजे वाला सेशन जो है ना ये आप लोग जरूर अटेंड कर लेना जो नए बच्चे हैं ओके okay? चलो क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है <coughs> ये बच्चों वो कॉन्सेंट्रेशन है द कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स इससे कम अगर गया बिलो विच बिलो विच मेरा प्लांट बच्चों सिम्टम्स पढ़ना शुरू कर दे दिखाना शुरू कर देगा और उसका ग्रोथ रिटार्ड हो जाएगा बिलो विच प्लांट्स ग्रोथ प्लांट्स ग्रोथ रिटार्ड्स कम हो जाएगा और अगर तुमने इसको प्रोवाइड ही नहीं करे वो मिनरल्स तो ये मर भी जाएगा ठीक है इज रिटार्डेड इज़ रिटार्डेड क्या सबको क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन समझ में आया इतना मुझे मिनिमम मतलब देना ही पड़ेगा दिस इज माई क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन बच्चों इतना मिनिमम तो मुझे देना ही पड़ेगा राइट right? अच्छा अब इसमें कुछ पॉइंट्स है जहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं तो ये वाली बात आप मेरी समझिए जरा ठीक है क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू एवरीबडी नाउ अब जो मेरे जो ये एलिमेंट्स होते हैं ना जो मेरे एलिमेंट्स हैं या तो बच्चों ये मेरी सॉइल में हैं ही नहीं इसलिए डेफिशिएंसी हुई ठीक है या फिर दूसरी चीज़ हो सकती है देखो दो कारण हो सकते हैं डेफिशिएंसी के ये पता नहीं कहां से आ जाता है डेफिशिएंसी के बच्चों दो कारण हो सकते हैं मेरा जो प्लांट है दो वजह से डेफिशिएंट हो सकता है सो व्हाट आर द रीजंस फॉर डेफिशिएंसी हाँ जी क्या कारण हो सकते हैं देखो बच्चों या तो मेरे सॉइल में नहीं है एक पहली बात सॉइल में नहीं है सॉइल के पास अगर किसी घर में खाना ही नहीं है तो तुम्हें कैसे खाना मिलेगा यार किसी घर किसी के घर में खाना ही नहीं है मतलब वो ले ही नहीं पा रहे हैं खाना खरीद ही नहीं पा रहे हैं तो तुम्हें कैसे मिलेगा नहीं मिल सकता जो बच्चे हैं उनको भी खाना कैसे मिलेगा नहीं मिलेगा तो पहली चीज या तो मेरे सॉयल में ही डेफिशिएंसी है ठीक है बोल रही बोलियो सॉयल इज डेफिशियट ये हो गया दूसरी चीज बच्चों दूसरा क्या होगा या फिर मेरा प्लांट में कोई कमी नहीं है में घर में कोई कमी नहीं है लेकिन तुम तुम ही ही क्या बोलो निकम्मे हो खाते नहीं हो मम्मी ने तुम्हें इतना अच्छा पालक पनीर बना के दिया लेकिन नहीं मैं पालक नहीं खाऊंगा घिया दिया नहीं मैंने घिया नहीं खाना ओके आ, करेला मैं करेला नहीं खाऊंगी राइट और ये अच्छी चीजें होती हैं जिनको तुम मना कर देते हो ये अच्छी चीजें होती हैं बच्चों जिनको तुम मना करते हो तो एक चीज़ मेरा सॉइल में डेफिशिएंसी है, दूसरी चीज मेरे सॉइल में डेफिशिएंसी नहीं है लेकिन मेरे प्लांट को वो चीज़ मिल ही नहीं पा रही मेरे रूट्स ने एब्जॉर्ब करा लेकिन बच्चों उसका मोबिलाइजेशन नहीं हो रहा जहां जाना चाहिए वहां नहीं जा पा रहा तो दूसरा रीजन ये हो सकता है तुम्हारे प्लांट के अंदर डेफिशिएंसी क्रिएट होने का डेफिशिएंसी आने का तो एक हो गया सॉइल में डेफिशिएंसी हो गया दूसरा हो गया बच्चों मोबिलाइजेशन मेरा जो भी एलिमेंट है क्या वो मोबिलाइज हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है तो मोबिलाइजेशन ठीक है जी मतलब अगर बच्चों मेरा एक ऐसा एलिमेंट है जो मोबिलाइज ही नहीं होता जैसे कि हमने पढ़ा था इन ट्रांसलोकेशन कौन सा ऐसा एलिमेंट था बच्चों जो मोबिलाइज नहीं हो रहा था फटाफट से मुझे आंसर दो चैट बॉक्स में आंसर दिया जाए फटाफट से कि कौन सा ऐसा एलिमेंट था बच्चों जो मोबिलाईज हो ही नहीं रहा था बोलो बोलो तो मतलब बच्चों मेरे प्लांट में है वो लेकिन वो मेरे यंग प्लांट वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ओके कैल्शियम कैल्शियम बच्चों कैल्शियम दैट इज कैल्शियम मतलब कैल्शियम मेरे प्लांट के अंदर है मेरे प्लांट के पास कैल्शियम है लेकिन जो ओल्ड लीवस है ना बच्चों वो बोल रहे हैं हम अपना कैल्शियम नहीं दे सकते क्यों नहीं दे सकते क्योंकि क्या एग्जाम्पल बताया था घर जब शिफ्ट करते हो तो घर की दीवारें तोड़ के तो नहीं लेके जाते है ना घर की दीवारें तोड़ के नहीं लेके जाते तो हम क्या लेके जाते हैं बच्चों हम लेकर जाते हैं फर्नीचर लेके चले गए किचन के बर्तन लेके चले गए बट घर की दीवारें तो कोई नहीं तोड़ के लेके जाता इसलिए कैल्शियम मोबिलाइज नहीं होगा उसकी डेफिशिएंसी आ सकती है और कहाँ पे आएगी बच्चों ये हमने पहले पढ़ा था तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कैल्शियम ओके okay, एक और एग्जाम्पल दिया है तुम्हारे बुक में एंड दैट इज सल्फर कैल्शियम एंड सल्फर बच्चों ये मोबिलाइज नहीं हो पाते नॉट रेडीली मोबिलाइज ठीक है ये मोबिलाइज नहीं हो पाते टू यंग पार्ट यंग पार्ट में बच्चों ये मोबिलाइज नहीं हो रहे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी जो नए बच्चे आए ना मैं करती हूं एक्सप्लेन ओके okay, इसलिए बच्चों इसका डेफिशिएंसी आपको पहले कहां दिखेगा इसका डेफिशिएंसी आपको दिखेगा इन यंग प्लांट इस तरह के क्वेश्चंस तुमसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन तुमसे पूछेंगे कि भाई बताओ कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका डेफिशिएंसी मुझे यंग पार्ट में मिलेगा तो तुम लिखोगे इनका जो डेफिशिएंसी है ओल्ड लीफ और यहाँ पे एक छोटू सा नन्नू सा नया लीफ आ रहा है ओके अब ये जो पुराना लीफ है इसको हमने बोला कि तुम्हारा तो टाइम वैसे ही खत्म हो गया तुम तो झड़ने ही वाले हो तुम ऐसे करो तुम अपने सारे जो एलिमेंट्स है ना इस यंग लीफ को दे दो ये बोलेगा अच्छा ठीक है ले लो कोई बात नहीं ठीक है मेरा टाइम तो खत्म वैसे ही होने वाला है मैं नीचे चला जाऊंगा झड़ जाऊंगा बट तुम ले लो मेरे एलिमेंट्स तो बच्चों यहां क्या होगा नाइट्रोजन चला गया ठीक है फास्फोरस चला गया और क्या आपके पोटेशियम वगैरह चले गए लेकिन ये किसको नहीं भेजेगा ये किसको नहीं भेज रहा बच्चों ये नहीं भेजेगा कैल्शियम को ये नहीं भेजेगा सल्फर को नहीं भेजने वाला क्यों नहीं भेजेगा बच्चों ये अपनी मर्जी से नहीं कर रहा है ये बोल रहा है कि यार मैं क्या करूँ ये तो मेरे स्ट्रक्चर का पार्ट है तो तुम ऐसे प्लांट ये नहीं कर सकता कि लीफ को तोड़ने बैठ जाए वहाँ पे चलो और कैल्शियम निकाल लेता हूं इसमें से इसमें से सल्फर निकाल लेता दिस इज नॉट पॉसिबल सो दैट इज़ वाई कैल्शियम एंड सल्फर आर इमो मोबिलाइज नहीं होते हैं और इसकी डेफिशिएंसी बच्चों यंग लीफ में आ जाती है ये क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा और देखो दूसरी तरफ क्या हो रहा है मेरा जो नाइट्रोजन है फास्फोरस है मेरा जो पोटेशियम है वो जल्दी-जल्दी इस यंग लीफ में जा रहे हैं तो इसकी डेफिशिएंसी मुझे कहाँ दिखेगी ओल्ड लीफ में पुराने घर को छोड़ के कौन चला गया नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम चले के छोड़ के ओके okay. एन <clears throat> बच्चो फिर बच्चों पुराने घर में किसकी डेफिशिएंसी होगी नाइट्रोजन नाइट्रोजन की पोटेशियम uh, uh, की एंड योर फॉस्फरस उसमें कौन रह गया कैल्शियम रह गया एंड सल्फर रह गया तो नए घर में कौन नहीं पहुंचा कैल्शियम और सल्फर नहीं पहुंचा तो नए घर में किसकी डेफिशियंसी हो जाएगी ये yes. लैग हो और एक मिनट एक मिनट बच्चो रुको 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 वेट वेट वेट

ज इज दिस वर्किंग नाउ क्या अभी ठीक आया अभी भी ठीक नहीं आ रहा बच्चों बताओ मुझे अभी ठीक आ रहा है क्या बोलिए 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 इज इज दिस बेटर नाउ इज दिस वर्किंग नाउ बच्चो इज दिस फाइन नाउ एम आई ऑडिबल एम आई विजिबल ऑडियो और विडियो ओके आई एम सो सॉरी आज हा ओ गॉड पता नहीं क्या क्या करके सेटिंग वेटिंग करके कुछ तो करा है मैंने अंदर आई एम लाइव फाइनली सॉरी वो सॉरी ओके okay, बता दूं सबको कि भाई हम आ गए हैं ऐसे बीच में ना आप पढ़ा रहे हो पढ़ा रहे हो पढ़ा रहे हो फिर फिर से चला जाता है ना तो मज़ा थोड़ा सा खराब हो जाता है ना एकदम मज़ा आ रहा था पढ़ाते पढ़ाते और फिर ये हो जाए ना गड़बड़ हो जाती है ना फिर बच्चों नाउ फाइन नाउ फाइन ओके गुड 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 हाँ मैं रिपीट कर रही हूँ देखो बच्चों मैं क्या बता रही थी आपको आई वॉज़ टेलिंग यू कि कुछ जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं ना कुछ हमारे एलिमेंट्स जो होते हैं मैं फिर से बताती हूँ चलो मैं फिर से इसको बताती हूँ ये वाले पॉइंट को बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा ओके ये लो ये मेरा बच्चों प्लांट था ठीक है ये था मेरा ओल्ड लीफ ओके अब जो मेरा ओल्ड लीफ है वो कुछ दिनों के बाद नीचे गिर जाएगा ठीक है कुछ दिनों के बाद नीचे गिर जाएगा मैं फिर से बता रही हूँ बच्चों फिर से बता रही हूँ कुछ दिनों के बाद ये नीचे गिर जाएगा लेकिन मेरे पास यहाँ एक छोटू सा यंग लीफ है ठीक है दिस इज अंग लीफ दिस इज अंग लीफ बच्चों इसको जरूर अब तुम्हारे सॉइल में क्या हुआ तुम्हारे सॉइल में कैल्शियम की कमी हो गई तुम्हारे सॉइल में नाइट्रोजन की फॉस्फोरस की पोटेशियम की सब चीज़ की कमी हो गई लेट्स से सब चीज़ की कमी हो गई ठीक है सारी चीज़ की कम, कमी हो गई मैं फिर से बता रही हूँ बच्चों फिर से बता रही हूँ ओके अब सारी चीज की अगर कमी हो गई तो तुम क्या करोगे तो तुम जो जिसके पास पहली चीजें हैं बच्चों उनसे लोगे मान लो यहाँ पे कैल्शियम है ओके यहाँ पे बच्चों फास्फोरस है इसके पास सल्फर है इसके पास नाइट्रोजन है इसके पास पोटेशियम है और और भी मैग्नीशियम है ये सब चीज़ें इसके पास हैं ठीक है ठीके? अब प्लांट ने क्या करा प्लांट ने बोला कि तुम तो नीचे गिर जाओगे कुछ दिनों में ठीक है तुम ओल्ड हो नीचे गिर जाओगे राइट ठीक है जी तुम तो ओल्ड हो तो तुम नीचे गिर जाओगे तुम ऐसे करो ये सब चीज़ें यंग यंग लीफ को दे दो ये सब चीज़ें यंग लीफ को दे दो तो इसने बोला ओके okay, तुमसे जो चाहिए तुम्हें ले लो मैं तो नीचे गिर जाऊँगा ठीक है जो जो आपको चाहिए ले लो तो प्लांट ने अपने जो यंग लीव्स थे ना बच्चों उसको नाइट्रोजन यहाँ पहुँचा दिया कोई दिक्कत नहीं हुई पोटाशियम पहुँच गया मैग्नीशियम पहुँच गया फॉस्फरस पहुँच गया एक्चुअली ऑलमोस्ट सब पहुंच जाते हैं लेकिन बच्चों कैल्शियम नहीं पहुंचा सल्फर नहीं पहुंचा क्योंकि दे आर पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर जैसे आपका कैल्शियम इज अ पार्ट ऑफ योर सेल वॉल सल्फर इज अ पार्ट ऑफ योर स्ट्रक्चर का पार्ट होता है बच्चों स्ट्रक्चर को तोड़ तोड़ के हम चीजें नहीं लेके जा सकते राइट right? स्ट्रक्चर को तोड़ तोड़ के हम चीजें नहीं लेकर जा सकते इसलिए अच्छा एक मिनट बच्चों मेरा ना पीठ में दर्द शुरू हो गया है तो मैं थोड़ा सा इफ यू डोंट माइंड बैठ जाती हूँ ठीक है आजकल ना मेरे को थोड़ा ज्यादा हो रहा है दो तीन दिन से थोड़ा ज्यादा हो रहा है इसलिए मैं दो तीन दिन से तुमने देखा होगा कि बैठ के पढ़ा रही हूँ हाँ <coughs> तो बच्चों क्या हुआ कि जो मेरा कैल्शियम है और सल्फर है ना वो मूव नहीं करेंगे क्यों नहीं करेंगे बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर मैं यहां लिख देती हूं कैल्शियम एंड सल्फर ठीक है बच्चों कैल्शियम एंड सल्फर मूव नहीं करेंगे क्यों नहीं करेंगे नॉट मोबिलाइज क्यों नहीं मोबालाइज हो रहे हैं बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चरल कॉम्पोनेट है बिकॉज दे आर स्ट्रक्चरल कॉम्पोनेंट ठीक है ये है मेरे स्ट्रक्चरल कॉम्पोनेंट राइट इसलिए बच्चों इसलिए ये इसलिए ये बच्चों इसलिए ये एक्चुअली क्या होता है ना जब मैं बहुत देर खड़ी हो जाती हूँ ना आजकल मेरे मेरा जो शिन एरिया होता है ना लेग का उसमें बहुत पेन शुरू हो जाता है तो मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है लेकिन बच्चों ये जो चीज़ होती है ना उसको टाइम लगता है ठीक होने में इसलिए मैं थोड़ा सा थक जाती हूँ जल्दी ठीक है दैट्स फाइन बट uh, इसका मतलब ये नहीं कि लर्निंग रुकेगी वो हो नहीं होगी मैं रोज ही आ रही हूं आपको ठीक है पढ़ाने तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी येस yes, बच्चो इसलिए ये मोबिलाइज नहीं होते ये तुम्हारा क्वेश्चन बनने वाला है बच्चों यही तुम्हारा क्वेश्चन बनेगा कि यंग पार्ट में आपको किसका डेफिशिएंसी देखने को मिलेगा फटाफट से बताओ बच्चों यंग पार्ट में आपको किसका डेफिशिएंसी देखने को मिलेगा यस yes, पूरे जोश के साथ यस yes. बच्चों जिंदगी में ये सब चीजें तो चलती रहती हैं कुछ ना कुछ चलता रहेगा हेल्थ खराब होगी या फिर हमारे जो हालात हैं घर के हालात खराब हो सकते हैं लेकिन हमें एक तो काम करते रहना पड़ता है ठीक है हमें तो काम करते रहना ये yes, बच्चों कौन सा ये yes. डेफिशिएंसी इसकी आपको दिखेगी कैल्शियम और सल्फर की यंग पार्ट में दिखेगी और बच्चों अगर मैं तुम्हें पूछू कि ओल्ड पार्ट में किसकी डेफिशिय दिखेगी कौन नहीं आए थे ओल्ड पार्ट में किसकी दिखेगी बच्चों ओल्ड पार्ट में ओल्ड पार्ट में किसकी डेफिशिएंसी दिखेगी यस yes, फटाफट पत से बोलो 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 ओल्ड पार्ट में ओल्ड पार्ट में बच्चों किसकी डेफिशिएंसी देखने को मुझे, मुझे मिल जाएगी बताइए कुछ है ना अपने नाइट्रोजन पोटेशियम बिल्कुल मैग्नीशियम इन सबकी दिख जाएगी नाइट्रोजन आ जाएगा फॉस्फरस आ जाएगा ठीक है मैग्नीशियम आ जाएगा इन सब की बच्चों आपको कहां को देखने को मिल जाएगी यस वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ये ओल्ड पार्ट में मिलेंगे ये आपको मिलेंगे यंग पार्ट में कैल्शियम एंड सल्फर बच्चों इन यंग पार्ट अब एक बार जरा पढ़ लें अब एक बार जरा पढ़ लें फटाफट फटाफट बच्चों कैन हेल्प मी विद द पेज नंबर कैन संबली हेल्प मी विद द पेज नंबर बच्चों प्लीज मुझे बता दो आज मैं लिखना भूल गई क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन कौन से पेज नंबर पे है हाँ बता दो बता दो फटाफट से बता दो यस yes, बच्चो वेन एवर द सप्लाई ऑफ एसेंशियल एलिमेंट बिकम्स लिमिटेड प्लांट ग्रोथ इज रिटार्टेड येस कम मिलेगा तो वह रिटार्ट हो जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं उसकी वजह से बच्चों डेफिशियंसी आपके जो प्लांट है उसमें आ सकता है सिंस ईच एलिमेंट हैज इट्स ओन स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन रोल इन द प्लांट्स इन द एबसेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर एलिमेंट प्लांट्स शोज सर्टन मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस वो क्या होंगे वह हम देखेंगे दीज मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आर इंडिकेटिव ऑफ सर्टन एलिमेंट डेफिशियंसीज

तो मेरी डेथ हो जाएगी मैंने यही बताया था आपको कि अगर हमने उसको वो न्यूट्रिशन नहीं दिया तो वो मर जाएगा द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट शो डेफिशियंसो डिपेंड्स ऑन द मोबिलिटी ऑफ द एलिमेंट इन दैट प्लांट फॉर द एलिमेंट विच आर एक्टिवली मोबिलाइज विद इन द प्लांट एंड एक्सपोर्टेड टू यंग डिवलपिंग टिश्यूज द डेफिशियम टेन टू अपीयर इन द ओल्ड टिश्यू दिस इज योर क्वेश्चन बच्चों दिस इज योर क्वेश्चन ये है आपका नीट का क्वेश्चन ठीक है फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन पोटेशियम मैग्नीशियम ओके नाइट्रोजन पोटेशियम मैग्नीशियम ये कहाँ दिखेंगे आपको इसका डेफिशिएंसी कहाँ दिख रहा था हमें ओल्ड में क्योंकि पुराने लीव्स को छोड़ के आ गए थे नए लीव्स के पास थैंक यू सो मच बच्चों द पेज नंबर इज 198 198 इज द पेज नंबर थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू यू गाइज आर वेरी वेरी स्वीट थैंक यू

खेती बाड़ी कर रहे हो वो हो गया हॉर्टिकल्चर क्या है वट इज हॉर्टिकल्चर हॉर्टिकल्चर इज द साइंस ऑफ ग्रोइंग दीज प्लांट्स है ना जिसको हॉर्टिकल्चरिस्ट को बड़ा आइडिया होता है कि भाई कहाँ पे किस तरह की मिट्टी होनी चाहिए किस तरह का न्यूट्रिएंट मिलना चाहिए ओके ठीक है जी यस yes. जो गार्डन कल्टीवेशन वगैरह होता है बच्चों गार्डन कल्टीवेशन वगैरह होता है वो हो गया मेरा हॉर्टिकल्चर ओके okay जी ओपन हाउस होगा बिल्कुल होगा क्यों नहीं होगा ठीक है जी यस वेरी गुड अब आ जाओ बच्चों एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पर एंड दैट इज वो क्या है मैम अब मैं तुम्हें ना एक अच्छी सी ट्रिक देती हूँ चलो अब बच्चों मैं तुम्हें अच्छी सी ट्रिक्स दूंगी अब अब बड़ा मजेदार सा टॉपिक है डेफिशिएंसी बच्चों अपने बुक में जो दी गई है वो दी हुई है चार तरह की क्लोरोसिस हो सकता है नेक्रोसिस हो सकता है आ, सेल डिवीजन रुक सकता है एंड प्रीमेच्योर लीफ फॉल हो सकता है या फिर फ्लावरिंग भी रुक सकती है तो जरा देखते हैं इसको कैसे याद करें क्वेश्चन इसी पे आते हैं क्वेश्चन बच्चों इसी पे आते हैं ठीक है मैम कोई प्रैंक करो अच्छा जी और कुछ नहीं तो पहले समझ लो व्हाट इज क्लोरोसिस क्लोरोसिस क्या होता है देखो बच्चों क्लोरोसिस 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 इज लॉस ऑफ क्लोरोफिल लॉस ऑफ क्लोरो फिल मेरा क्लोरोफिल खत्म होना शुरू हो गया है क्यों बच्चों क्यों खत्म हो रहा है क्योंकि जो चीज़ मुझे चाहिए उसको बनाने के लिए वो मेरी सॉयल में है ही नहीं तो मेरा क्लोरोफिल जा रहा है तो मेरी लीव्स कैसे हो जाएंगे विदाउट क्लोरोफिल बच्चों मेरे लीव्स कैसे हो जाएंगे पीले पड़ जाएंगे येलो हो जाएंगे ठीक है येलो हो जाएंगे बच्चों हॉर्टिकल्चर मतलब द आर्ट ऑफ ग्रोइंग जो आपके गार्डन वार्डन से रिलेटेड प्लांट्स रहते हैं द आर्ट ऑफ ग्रोइंग दोज प्लांट्स ओके द आर्ट ऑफ ग्रोइंग दैट प्लांट टॉक्सिसिटी अभी इसके बाद आएगा इसके बाद आएगा टॉक्सिसिटी चलो क्लोरोसिस आ जाओ ना क्लोरोसिस में आ जाओ अब तुमसे क्वेश्चन पता है क्या पूछा जाएगा क्वेश्चन बच्चों पूछा जाएगा तुमसे कि भाई क्लोरोसिस कौन से एलिमेंट्स हैं जो कराते हैं जरा देखें कौन से एलिमेंट्स हैं जो कराते हैं क्लोरोसिस आ जाओ लॉस ऑफ क्लोरोफिल येलोइंग ऑफ लीव्स येलोइंग ऑफ लीव्स ये बच्चों डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं जो मैं आपको अभी बता रही हूं अब क्वेश्चन तुमसे यहीं से पूछे जाते हैं अब कैसे बताओगे इसमें कौन कौन से आते हैं तो तुम क्या बताओगे ऐसे तो एक एक ट्रिक है बड़ी पुरानी ट्रिक है तुमने शायद कहीं देखी भी हो तो मेरी जो ट्रिक है वो है मेरी नहीं है मतलब बड़ी पुरानी है यार फिर से मन जन मांगे मोक ओके okay, लिख लें आप एफ ओके जी ठीक है सल्फर मन जिंक ओके मैग्नीशियम मोलेब नाइट्रोजन एंड बच्चों पोटाशियम हो गया बताओ क्लोरोसिस सबको <coughs> क्लोरोसिस के एग्जाम्पल सबको याद रहेंगे बच्चों क्लोरोसिस कौन कराता है फिर से मंजन मांगे मॉंग एफ एम एन जेड जिंक मैग्नीशियम मोलिब्डेनम बौ, एंड नाइट्रोजन एंड पोटेशियम ओके याद रहेगा याद रहेगा बच्चों, बताओ 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 फटाफट से फटाफट से फटाफट से फटाफट से बच्चों, याद रहेगा मॉन्क्स मांगे मंजन बड़ा बच्चों यही है घुमा फिरा के बस यही चल रही है ट्रिक्स कोई चक्कर नहीं है ठीक है चलो हो गया बच्चों, डन कोई चिंता करने की बात नहीं है, अब आ जाओ तुम पे what is necrosis, what is necrosis, necrosis क्या होता है? बच्चों, द टिश्यू मर गया काला पड़ गया ठीक है ब्लैक हो जाता है काला पड़ जाता है उसको बोलते हैं नेक्रोसिस डेथ ऑफ द टिश्यू नेक्रोसिस इज डेथ ऑफ टिश्यू मेरा टिश्यू काला पड़ गया ब्लैक हो गया ब्लैक हो जाएगा तुम्हारा टिश्यू टिशू टर्न्स ब्लैकी ब्लैक ब्लैकी नहीं ब्लैक ओके मस्ती में कुछ भी बोल दिया तो इसका क्या होगा काकू मांगे कटरीना काकू मांगे किटरीना किटरीना तो बच्चों अब चली गई है शादी हो गई है उसकी अब फिर भी काकू मांग रहा है किटरीना मांगे कैटरीना ओके किटरीना तो इसका क्या हो जाएगा कैल्शियम कॉपर मैग्नीशियम, आई एम सो सॉरी मैग्नीशियम, ओके मैग्नीशियम एंड पोटाशियम हो गया हो गया याद हो गया याद ठीक है हो गया याद डन नेक्रोसिस हो गया चलो बच्चों, काकू मांगे किटरीना ओके okay? किटरीना तो अब चली गई है पर क्या करें ओके अब आ जाओ आगे आगे आ जाओ बच्चों आगे देखते हैं आगे क्या है हमारे लिए इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन ये भी एक सिम्टम है कि सेल डिविजन ही नहीं हो रहा है ये कौन है जो हमारा सेल डिविजन को रोक रहा है इनहिबिशन इनहिबिशन ऑफ सेल डिविजन सेल डिवीजन कौन रोक रहा है भाई हमारा सेल डिवीजन कौन है किसमें इतनी हिम्मत है कौन इतना पावरफुल है बच्चों जो हमारा सेल डिवीजन रो रहा है रोक रहा है मॉन्क्स मॉन्क्स आ गए और उन्होंने हमारा सेल डिवीजन को रोक दिया ठीक है तो क्या है मोलिबनम ओके नाइट्रोजन पोटेशियम एंड सल्फर मॉन्क्स ने आके बच्चों रोक दिया तुम्हारा ठीक है रोक दिया तुम्हारा सेल डिवीजन बताओ मुझे ये याद होना चाहिए ये सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ठीक है डायरेक्ट क्वेश्चन आता है yes. बड़े सारे ट्रिक्स हैं एंड आपको जो अच्छा लगे ना आप वो यूज कर सकते हैं अपने लिए चलो जी अब आ जाओ लास्ट वाले पे दैट इज डिले इन फ्लावरिंग फ्लावरिंग को रोक देगा ठीक है बहुत पुराना बहुत ही पुराना एक ट्रिक है इसका डिले इन फ्लावरिंग फूल नहीं खिलने देगा बच्चों कौन फूल नहीं खिलने देगा हाँ अब तो जो तुम्हारा फूल था उसने बोला संडे और मंडे को मैं छुट्टी रखूंगा ठीक है संडे मंडे छुट्टी बच्चों संडे मंडे संडे मंडे नो फ्लावरिंग कोई काम नहीं करना नो फ्लावरिंग आ जाओ देख लेते हैं सल्फर ठीक है मोलिबनम एंड नाइट्रोजन बताओ बच्चों क्या ये तुम्हें याद रहेंगे क्या ये तुम्हें याद रहेंगे चार नंबर चार नंबर का सवाल चार नंबर का सवाल इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ठीक है इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते बताओ दो बच्चों फटाफट से बता दो यस मैम बोलो यस मैम याद रहेंगे मैम वी गोना रॉक वी गोना रॉक इन आर नीट का एग्जाम बोल दो फटाफट से बोल दो फटाफट से बोल दो मेरे रॉक स्टार्स <laughs> घर का नाम काकू है ओके अच्छा बच्चों और आज मैंने अगर एटीपी तुमसे नहीं मांगे तो तुम एटीपी नहीं दोगे हाँ बहुत बुरे हो तुम बहुत बुरी बातें कर रहे हो आजकल तुम ज़्यादातर लोग तो बहुत अच्छे हैं खैर उन्होंने मेरे बिना बोले बिना ए टी पी दे दिया है लाइक्स दे है बच्चे लाइक करोगे तो अच्छा लगता है मुझे भी वो एनर्जी मिलती है वो मोटिवेशन मिलता है है ना मुझे भी वो एनर्जी बच्चों मोटिवेशन मिलता है तो अगर तुम्हारा मन करे तो लाइक कर देना मुझे अच्छा लगेगा नहीं तो कोई बात नहीं मैं तो फिर भी इसी शिद्दत के साथ पढ़ाती रहूँगी है ना ओके okay, चलो चलो फिर अब जरा एनसीआरटी के लाइन पढ़ लेते हैं एंड देन वी विल क्विकली डू द फंक्शंस ऑफ एलिमेंट्स ठीक है फिर अंत में बच्चों इन एलिमेंट्स के फंक्शन हम लोग करेंगे और बिल्कुल जोश के साथ ठीक है घबराना नहीं है चलो चलो आ जाओ आ जाओ येस ये द काइंड ऑफ डिफिशियंसी सिम्टम शोन इन प्लांट इंक्लूड क्लोरोसिस येलोइंग ऑफ लीव लॉस ऑफ क्लोरोफिल नेक्रोसिस डेथ ऑफ टिश्यू टिश्यू मर ही जाएगा स्टंटेड ग्रोथ बच्चों स्टंटेड ग्रोथ मतलब बहुत कम ग्रोथ हो रही है एंड देन प्रीमेच्योर लीफ फॉल भी होगा पहले ही पत्ते झड़ जाए तो इनहिबिशन ऑफ सेल डिजन ओके क्लोरोसिस कौन करा रहा है बच्चों दिस इज इंपॉर्टेंट दिस इज इंपॉर्टेंट बट हमारे पास तो एक ट्रिक है हमें तो याद हो जाएगा क्लोरोसिस कौन करा रहा था बच्चों कौन करा फिर से मंजन मांगे मॉक फिर से मंजन मांगे मॉक बस हो गया ओके okay. अच्छा जी चलो आ जाओ अब नेक्रोसिस कौन करा रहा था बच्चों नेक्रोसिस कौन करा रहा था कौन करा था काकू मांगे कैटरीना कटरीना हो गया। ओके okay, बच्चों आ गए और उन्होंने सेल डिविजन को रोक दिया और कुछ फ्लावरिंग नहीं करने देंगे बोलेंगे छुट्टी है संडे मंडे को काम नहीं करेंगे छुट्टी है जी हमारी तो ओके okay, हमारी छुट्टी है राइट बच्चों राइट ओके यू कैन सी फ्रॉम द अब दैट डेफिशियंसी ऑफ एनी एलिमेंट कैन रिजल्ट इन मल्टीपल सिम्टम्स एंड दैट द सेम सिम्टम्स मे बी कॉज बाय द ऑफ वन और सिविलर डिफरेंट एलिमेंट आपने देखा कि बहुत सारे एलिमेंट का बच्चों एक ही डेफिशियंसी सिम्टम्स है और अगर ये मान लो मैंने यहाँ पे मोलिब्नम उठाया और यहाँ पे भी उठाया और यहाँ पर भी उठाया तो मोलिब्नम देखो यहाँ पे क्या करा रहा है ये बच्चों <coughs> क्लोरोसिस भी करा रहा है ये मेरा सेल डिवीजन को भी रोक रहा है ये फूल भी नहीं उगने दे रहा है तो एक जो आपका एलिमेंट है वो बहुत सारी डेफिशिएंसी भी ला सकता है ठीक है एक बहुत सारी डेफिशिएंसी भी ला सकता है राइट बच्चों यही बोल रहे हैं हेन्स टू आइडेंटिफाई द डेफिशिएंट एलिमेंट वन हैज स्टडी ऑल सिम्टम्स डेवलप्ड इन द वेरियस पार्ट प्लांट प्लांट कंपेयर टेबल्स बड़ा मुश्किल होता है लिखना पड़ता है अच्छा ये हो रहा है सो दिस बोलिए 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 बताइए बताइए अभी अभी शुरू हुआ क्या चालू हुआ क्या अरे यार आज क्या हो रहा है यहाँ पर ओके वेट बचाओ एम आई बैक आर यू एबल टू सी मी आर यू एबल टू सी मी नाउ आई एम सो सॉरी आई डोंट नो वॉट इज हैपनिंग टुडे नाउ फाइन नाउ फाइन ओके बच्चो बच्चो सॉरी आई एम वेरी वेरी सॉरी आपको पता है इंटरनेट पे तो मेरा कंट्रोल है नहीं ठीक है यार मेरे को तो खुद बड़ी टेंशन हो जाती है जब ऐसे होता है ना तो अभी ठीक है अभी ठीक है बच्चों यस ओके फाइन नाउ ओके ओके फाइन 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 बच्चो आई वांट टू फिनिश दिस थिंग टुडे ये जो है ना अपने जो एलिमेंट्स है उनके जो फंक्शन है और वो कहां कहाँ मिलता है आज बच्चों थोड़ा सा थोड़ा सा हिम्मत रखे आज ये खत्म करते हैं यू जस्ट नीड टेन मोर मिनट्स फॉर दिस आपको सिर्फ दस मिनट और चाहिए और आज ये वाला टॉपिक अपना खत्म हो जाएगा येस yes, तो थोड़ा सा थोड़ा सा यार जोश आज हमारा मुझे पता है कभी इंटरनेट आता है कभी जाता है बट बच्चों उसमें जोश हम ठंडा नहीं होने देंगे मुझे थोड़ा सा थोड़ा सा मुझे भी एनर्जी दीजिए एंड बोलो कि ये मैम विल डू इट टूडे बता दो बच्चो येस मैम विल डू इट टूडे ठीक है आई एम ऑल्सो वर्किंग हार्ड फॉर यू सो बच्चो लेट्स नॉट लेट्स नॉट यू नो लेट्स ट्राई टू फिनिश दिस टूडे ओनली ओके वी कैन ओकेश इट टूडे ओनली चलो शुरू करते हैं चलो बच्चों नाइट्रोजन से शुरू हो जाते हैं नाइट्रोजन की बात करते हैं पहले सो नाइट्रोजन नाइट्रोजन बच्चों किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है एंड अमोनिया ओके आपको आपको ये ये टेबल टेबल मिल मिल जाएगा जाएगा बच्चों डोंट वरी ठीक है नाइट्रेट्स नाइट्राइट्स एंड अमोनिया की फॉर्म में ये एब्जॉर्ब होता है कहां कहां मुझे मिलेगा नाइट्रोजन बच्चों कहां मिलेगा मुझे प्रोटीन्स बनाने के लिए मिलेगा न्यूक्लिक एसिड विटामिन एंड हॉर्मोन्स ओके ठीक है ओके जी चलो इसको रिवाइज भी करेंगे थोड़ा सा जल्दी से आ जाओ फॉस्फोरस बच्चों किस फॉर्म में एब्सॉर्ब होगा के फॉर्म में मेंब्सॉर्ब होगा फटाफट इसको ना यहीं से यहीं से हम रिवाइज करेंगे ओके okay, बच्चों इसको हम यहीं से रिवाइज करेंगे क्वेश्चन इसके फंक्शन के बेसिस पे आपको पूछ लिए जाते हैं मैं बताती रहूंगी आपको चलो कहां कहां मिलेगा मुझे बच्चों में मिलते हैं फॉस्फोलिपिड फॉस्फोलिपिड मिलते हैं मेमब्रेन में आपके फॉस्फोलिपिड मिलते हैं मेमब्रेन में कुछ प्रोटीन में होगा ठीक है सब में नहीं होगा बच्चों ये क्वेश्चन पूछा जाता है कुछ प्रोटीन में होगा सब में नहीं होता सारे न्यूक्लिक एसिड में होगा क्योंकि फॉस्फेट भी होता है आपके न्यूक्लिक एसिड में यस yes, बच्चों क्योंकि फॉस्फेट भी होता है ओके okay, चलो जोश इज हाई यस एंड रिएक्शन रियक्शन क्या होता है इज इज बच्चों क्या phosfor -relation? Phosfor -relation होता है एटीपी का बनना अब एटीपी बन रहा है तो उसके लिए मुझे फॉस्फरस फौस्फर, फॉस्फोरस तो चाहिए होगा सो दैट इज वाई फॉस्फर में इसको बच्चों ऐसे ही याद करेंगे हम ये टेबल के फॉर्म में याद होता है नहीं तो नहीं होगा ठीक है नहीं तो नहीं हो पाएगा ये याद और अगर तुम हिम्मत अब हार गए ना बच्चों तो गड़बड़ हो जाएगी अभी हिम्मत मत हारना सिर्फ पांच मिनट दे दो मुझे अपनी लाइफ के तुम अपनी जिंदगी के पांच मिनट दे दो और हम ये खत्म कर लेंगे चलो आ जाओ फटाफट से तो कहां मिलेगा मुझे फॉस्फर रिलेशन में हेल्प करेगा फॉस्फर रिलेशन क्या है बच्चों में यहां लिख देती हूँ वॉट इज फॉस्फर रिलेशन फॉर्मेशन ऑफ ए टी पी फॉर्मेशन ऑफ ए टी पी इज फॉस्फर रिलेशन अगर मुझे ए टीपी बनाना तो मुझे क्या चाहिए फॉस्फरस चाहिए होगा पोटैशियम पे आ जाओ पोटैशियम बच्चों पोटैशियम हमने कहां पढ़ा था क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा में पढ़ा था ओके क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा में पड़ेगा बच्चों वी विल डू दिस वी विल फिनिश दिस इन फाइव मिनट्स सिर्फ पांच मिनट हमें चाहिए पांच मिनट में हम खत्म कर देंगे कहां पढ़ा था हमने ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा मतलब मतलब ये हेल्प करता है एनायन और केटाइन के बैलेंस के को मेंटेन करने में बस ये लो आ गया एनायन और कैंटाइन का जो बैलेंस uh, है उसको मेंटेन करने में और बच्चों यहाँ पे ना एक और आयन आता है क्लोराइड आयन वो भी इसी में हेल्प करता है वो भी इसी में हेल्प करता है ये क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा आ गया ओके प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होगा एंड मेंटेनेंस ऑफ टर्जिडिटी ऑफ सेल देखो अगर बच्चों ये मेंटेन कर रहा है तुम्हारे सेल का आयन एंड कटाइन का Uh, जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको तो पक्का जहां ये जाएगा वहां वहां पानी जब ये बाहर चला जाएगा तो बच्चों पानी भी बाहर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ ऑस्टोमेटा यही था ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ ऑस्टोमेटा यही था ना ओके चलिए यस यू आर डूइंग ग्रेट बच्चों यू आर डूइंग ग्रेट यू विल बी एबल टू फिनिश दिस थिंग टूडे एंड आप बिल्कुल सॉलिडिफाई करके जाने वाले हो अपने दिमाग में यू आर डूइंग ग्रेट वेरी गुड गुड जॉब गुड जॉब गुड जॉब गुड जॉब बच्चो चलो, चलो 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 नीट में फोड़ना है नीट में अगर फोड़ना है ना बच्चों तो रुकना नहीं है ठीक है रुकना नहीं है रुकना नहीं है थमना नहीं है चलते जाना है देखो बच्चों गिरोगे फिर भी उठोगे ठीक है बीमार हुए फिर भी उठोगे घर में कोई टेंशन है फिर भी उठोगे बच्चों चलना पड़ेगा सिंपल सी बात है हम लोग को नीट में फोड़ना है तो चलना पड़ेगा चलो आ जाओ यस कैल्शियम कैल्शियम किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा कैल्शियम आयन की फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा देखो बच्चों मैं कैल्शियम की आपको एक बात बताती हूँ कैल्शियम मेरा चाहिए मुझे सेल डिवीजन के लिए क्यों चाहिए मेरा कैल्शियम मुझे सेल डिवीजन के लिए क्योंकि बच्चों इसी की वजह से मेरा स्पिंडल फाइबर बन पाता है अगर स्पिंडल फाइबर नहीं बनेगा ये रहा मेरा सेल अगर बच्चों इसमें स्पिंडल फाइबर नहीं बना ये रहे क्रोमोजोम तो मेरा सेल डिवीजन नहीं होगा तो सीधा सीधा क्या होगा कैल्शियम जहां है वहां पर मुझे क्या चाहिए होगा सेल डिवीजन मेरा हो पाएगा नहीं तो नहीं होगा एक क्वेश्चन पूछा जाता है 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 कि भाई तुम्हारा रूट रूट का जो सेल टिप वो ग्रो नहीं कर रहा तो बताओ कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो मिसिंग है तुम बोलोगे कैल्शियम मिसिंग है वही कराता है रूट का ग्रोथ वही कराता है सेल डिवीजन इसलिए एक्टिवेट करेगा कुछ एंजाइम को एंड बच्चों दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो मैं इसको कर देती हूँ हाईलाइट ये होता है मेरे सेल वॉल का पार्ट होता है तो अगर मुझे सेल वॉल बनाना है मुझे कैल्शियम पैक्टेट चाहिए नहीं तो मेरा सेल वॉल नहीं बन पाएगा ठीक है ओके तो मेरा सेल वॉल नहीं बन पाएगा चलो आ जाओ आगे आ जाओ मैग्नीशियम बच्चों मैग्नीशियम मैग्नीशियम आयन की फॉर्म में आपका एब्जॉर्ब होगा क्या करेगा एक्टिवेट करेगा एंजाइम्स को कौन से एंजाइम रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन में कौन सा भाई काइनेज काइनेज इसके बिना काम नहीं करेगा बच्चों फोटोसिंथेसिस में भी फोटोसिंथेसिस में बताऊंगी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है डीएनए आरएनए बना बच्चों पॉलीमरेज इसके बिना काम नहीं करता पॉलीमरेज इसके बिना काम नहीं करते मैग्नीशियम चाहिए एंड जो आपके राइबोसोम होते हैं ना छोटा राइबोसोम का यूनिट एंड बड़ा इन दोनों को ज्वाइन करा के कौन रखता है मैग्नीशियम दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ये जो तुम्हारा ये बड़ा जरूरी है <coughs> ये बड़ा जरूरी है फोटोसिंथेसिस में भी पढ़ोगे रेस्पिरेशन में भी पढ़ोगे जेनेटिक्स में भी पढ़ोगे अरे ये तो बड़ा जरूरी हो गया ये बहुत जरूरी है ये yes, बच्चों ठीक है आ जाओ, अब आ जाओ जाओ अब सल्फर पे सल्फेट के फॉर्म में होगा मिलेगा मुझे पहली बात तो दो अमीनो एसिड में मिलता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यू ऑलरेडी नो द नेम सिस्टीन एंड मिथ्योनिन में मिलेगा तो मेरे प्रोटीन नहीं बन पाएंगे अगर मेरे पास सल्फर नहीं होगा ठीक है जी प्रोटीन नहीं बन पाएंगे बच्चों अगर सल्फर नहीं होगा यस yes. और ये जो मेरा ये जो मेरा अच्छा मैग्नीशियम का एक चीज रहेगा बच्चों क्लोरोफिल में भी होता है फोटोसिंथेसिस में आपको इसका स्ट्रक्चर बताऊंगी कि क्लोरोफिल जो है ना उसका स्ट्रक्चर रिंग जैसा होता है ठीक है रिंग जैसा स्ट्रक्चर उसके पास टेल भी होता है बच्चों उसके पास एक फाइटोल टेल होता है एंड एक रिंग होता है जिसके सेंटर में आपका होता है मैग्नीशियम तो जस्ट रिमेंबर दिस जस्ट रिमेंबर दिस ओके बच्चो चलो आ जाओ <coughs> कहाँ मिलेगा ये एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अरे यार हाई चाहिए मैन एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है बच्चों कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो बायोटिन के लिए मुझे चाहिए ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो मुझे बायोटिन के के लिए लिए चाहिए चाहिए या फिर विटामिन बनाने आपको कहां मिलेगा फेरिडॉक्सिन आपको रेस्पिरेशन में मिलेगा ठीक है रेस्पिरेशन में मिलेगा ये हेल्प करता है इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज में हेल्प करता है मतलब कैरी करके लेके जाता है ये अभी बस आप ऐसे याद रखो मैं डिटेल में बताऊंगी आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी जब पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे पढ़ेंगे रेस्पिरेशन अब आ जाओ आयरन के फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा ओके अब एक बात है बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट इसके बारे में कि ये जो दूसरे माइक्रो न्यूट्रिय है ना माइक्रो यहां से माइक्रो शुरू हो गए यहां से आपके माइक्रो शुरू हो गए जो दूसरे माइक्रो न्यूट्रिय बच्चों उससे ज्यादा मुझे चाहिए क्यों मुझे ज्यादा चाहिए एक चीज ये जो आप फेरीडॉक्सिन पढ़ते हो ना और ये जो साइटोक्रोम पढ़ते हो दिस इज क्यू ये इंपॉर्टेंट है ये क्यू है पूछा हुआ है कि साइटोक्रोम के अंदर कौन सा आ, एलिमेंट होता है और फेरीडॉक्सिन के अंदर कौन सा एलिमेंट होता है तुम बोलोगे आयरन होता है इन दोनों में एंड दे हेल्प इन इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर बट कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर में हेल्प करते हैं दिस इज कन्वर्टेड इन टू दिस ठीक है जो आपका फेरस वाला फॉर्म है वो फेरिक में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों इसलिए ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बहुत जरूरी है ठीक है बहुत जरूरी है बच्चों बहुत जरूरी है आ जाओ देखो हिम्मत नहीं आनी है बस थोड़ा सा और और ये हो जाएगा आई नो ये वाला पार्ट थोड़ा सा तुम्हें डिफिकल्ट लगता है बट बच्चों इसको याद करने का यही तरीका है टेबल के फॉर्म में और जैसे जैसे मैं बता रही हूं आप अपने अपने दिमाग में इसको डालते जाओ ठीक है बच्चों इसको ऐसे ही याद करना पड़ेगा आपको मेरे साथ बोलना पड़ेगा चलो आ जाओ और क्या करेगा एक्टिवेट करेगा एंजाइम को जो कि बहुत बहुत जरूरी है क्लोरोफिल के फॉर्मेशन के लिए दिस इज इंपॉर्टेंट इसमें बच्चों क्या इंपॉर्टेंट आ गया मेरा फेरिडॉक्सिन एंड साइटोक्रोम ओके ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ये वाला पार्ट और क्लोरोफिल इसके बिना नहीं बनेगा ये उन एंजाइम को एक्टिवेट करता है जो क्लोरोफिल को बनाते हैं चलो जी आ जाओ मैंगनीज ठीक है मैंगनीज मैगनीजियम मैंगनीज आयन की फॉर्म में मैगनानस फॉर्म में आपका एब्जॉर्व होगा एक्टिवेट करेगा कुछ एंजाइम को जो बच्चों में इनवॉल्व है जो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व है एंड नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में तीनों बड़ी जरूरी चीजें फोटोसिंथेसिस में भी आएगा रेस्पिरेशन भी और मेटाबोलिज्म ऑफ नाइट्रोजन में भी आएगा स्प्लिटिंग ऑफ वॉटर इज बच्चो एब्सिल्यूटली नीट वाला क्वेश्चन की स्प्लिटिंग ऑफ वॉटर कौन कराता है एक तो एम कराता है प्लस क्लोराइड आयन भी कराते हैं दोनों के दोनों स्प्लिटिंग ऑफ कराते हैं फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस में इसके बिना नहीं हो सकता ठीक so, है सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नीट का क्वेश्चन नीट का क्वेश्चन है एक हो गया चलो आगे बढ़ते हैं आजाओ। आ जाओ जिंक गया बच्चों अब जिंक मुझे क्यों चाहिए जिंक मुझे चाहिए ऑक्सीजन बनाने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट

ये एब्जॉर्ब होगा याद करो बच्चों हमने आयरन पढ़ा था फेरिक आयन की फॉर्म में वैसे ही कॉपर होता है क्यूप्रिक आयन की फॉर्म में और ऐसे ही जैसे मैंने आयरन को कन्वर्ट करा था फेरस को फेरिक में कर दिया था वैसे ही बच्चों ये जो आपका होता है दिस फॉर्म इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू क्यूप्रिक क्यूपरस आपका क्यूपरिंग पे कन्वर्ट हो जाता है और इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करते हैं राइट right बच्चों ये सब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन में या आप रेस्पिरेशन में पढ़ने वाले हो ये सारे पॉइंट्स तो ये आ गया अपना रिडॉक्स रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है कहां पे रेस्पिरेशन लिख दो यहां पे रेस्पिरेशन में रेस्पिरेशन में हमें पढ़ेंगे कहां पे यूज होगा रेस्पिरेशन में अब बच्चों आ जाओ बोरॉन पे बोरेट की या फिर टेटेरा बोरेट की फॉर्म में एब्सॉर्व होगा बड़ा जरूरी है अगर मेरे पास बोरोन नहीं है ना तो कैल्शियम का अपडेट भी रुक जाएगा सो दिस इज इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन बच्चों तुमसे पूछा जाएगा एक और क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा कि भाई मेरा जो रूट टिप है ना मेरा जो रूट टिप है वो बढ़ नहीं रहा उसका ग्रोथ नहीं हो रहा उसका ग्रोथ नहीं हो रहा बताओ कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसकी वजह से उसका ग्रोथ नहीं हो रहा तुम्हारे दिमाग में आएगा कि मैम ने बोला था सेल डिवीजन के लिए मुझे कैल्शियम चाहिए लेकिन बच्चों ऑप्शन में आपको कैल्शियम दिया नहीं है उन्होंने दिया है मैंगनीज उन्होंने दिया है मोलिबनम आयरन एंड बोरोन तो तुम क्या करोगे तुम किसको सिलेक्ट करोगे बच्चों यू विल सिलेक्ट बोरोन क्यों क्योंकि बिना बोरोन के कैल्शियम का अपटेक नहीं होता अगर बोरोन का डेफिशिएंसी हो गया तो सीधा सीधा कैल्शियम का डेफिशिएंसी हो जाएगा ठीक है सीधा सीधा किसका डेफिशिएंसी हो जाएगा कैल्शियम का डेफिशियंसी हो जाएगा और इसलिए मेरा आंसर क्या होगा बच्चों बोरोन बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपटेक ऑफ कैल्शियम ये नहीं आया तो मेरे पास कैल्शियम नहीं आएगा कैल्शियम नहीं आएगा तो मेरा रूट नहीं ग्रो करेगा ओके okay, चलो ये हो गया पोलन जर्मिनेशन मतलब पॉलन ट्यूब बनाने के लिए सीधा सीधा पॉलन जर्मिनेशन की जगह यहां पे तुम पॉलन ट्यूब लिखो पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन के लिए मुझे ये चाहिए ठीक है जी और क्वेश्चन पूछा गया है बोरेट या फिर बच्चों बोरिक एसिड भी लिखा होता है कि भाई कौन सा है जिसकी वजह से पोलन ट्यूब बनता है या फिर पोलन का जर्मिनेशन होता है तुम बोलोगे बोरोन या फिर बोरिक एसिड एक ही बात है कोई फर्क नहीं पड़ता mm. <coughs> इसके बिना बच्चों कार्बोहाइड्रेट का ट्रांसलोकेशन नहीं हो सकता जो मैंने शुगर बनाई ना वो ऊपर तक नहीं पहुंचेंगी अगर शुगर नहीं पहुंची तो जो मेरे ऊपर वाले पार्ट हैं या जो यंग पार्ट हैं वो मरना शुरू हो जाएंगे वहां पे ग्रोथ ठीक से नहीं होगी रिटार्डेड ग्रोथ हो जाएगी सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट मतलब अगर इसका एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ तो जो मेरे बच्चों यंग पार्ट है, जिनको जरूरत है वो भी मरना शुरू हो जाएंगे ओके okay. अब आ जाओ तुम तो मोलिबन पे मोलिबेट आयन की फॉर्म में ये एब्जॉर्ब होगा राइट right? एंड इट इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ अब बच्चों कहां कहाँ मुझे मिलता है नाइट्रोजनेस में मिलता है मैंने आपको बताया था कि ये होते हैं नाइट्रोजिनेज में आ गया नाइट्रोजिनेज में आ गया ये नाइट्रेट रिडक्टिस बेसिकली नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में इसका बहुत बड़ा रोल है वो मैं आपको कल ट्राई करूंगी कि मैं करा दूं लेकिन आज क्योंकि हमारे साथ इतना बुरा हुआ है तो कल नहीं हो पाएगा तो परसों तो मैं कराऊंगी तुम्हें नाइट्रोजन मेटाबोलिज्म ये हो गया अब आ जाओ बच्चों क्लोरीन या फिर ये किसके फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है क्लोराइड आयन इसका भी वही काम है जो पोटाशियम का था ठीक है जो नाइट्रोजन सॉरी जो सोडियम भी करता है बैलेंस करना ठीक है बच्चों बैलेंस करना मेरे केटाइन और एनाइन को राइट ठीक है जी अच्छा एंड ये मैंने बताया था कि वाटर स्प्लिटिंग में हेल्प करता है जिसकी वजह से मेरा फोटोसिंथेसिस शुरू होता है चलता है बच्चों नहीं तो फोटोसिंथेसिस के जो रिएक्शन है वो नहीं चलेंगे जब मैं फोटोसिंथेसिस कराऊंगी ना तुम्हें लाइट रिएक्शन तो आपको पता चलेगा अब देखो मैं तुम्हें ऐसे तो नहीं जाने दूंगी अब मैं तुम्हें फटाफट से एक रिवीजन कराऊंगी तब मैं तुम्हें जाने जब मुझे तसल्ली हो जाएगी ना कि हाँ मेरे बच्चों को सब याद हो गया फटाफट से बच्चों नाइट्रोजन इज एबॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट नाइट्राइट अमोनिया कहां कहा मिलेगा मुझे प्रोटीन में मिलेगा और कहा मिलेगा विटामिन में न्यूक्लिक एसिड में हार्मोन्स में फॉस्फरस देखो मैं भी थक गई बट तुम्हारे साथ फिर भी काम कर रही हूँ बच्चों ठीक है तुम्हारे साथ काम कर रही हूं आ जाओ कम ऑन कम ऑन कम ऑन बच्चा लोग ऐसे नहीं फील करते चलो फटाफट फटाफट क्विक रिविजन बच्चा लोग क्विक बच्चों, बच्चा बच्चा लोग लोग बताओ. बताओ. बोलो, बोलो, बोलो. मिनट्स अब हमने एक बार पढ़ लिया तो दो मिनट लगेंगे बच्चों इसको याद करने का यही तरीका है मेरे बच्चों, प्लीज प्लीज ठीक है चलो यस फॉस्फरस बच्चों, फॉस्फेट की फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है और <laughs> मुझे हंसी आ रही है क्या मतलब कि, कैसे तुम्हारे साथ में रिवीजन करा रही हूँ ना ओके यस बच्चों कहां कहा मिलेगा मुझे मेमब्रेन में मिलेगा फॉस्फोलिपिड की फॉर्म में मिलता है न्यूक्लिक uh, एसिड में मिलेगा क्योंकि उसमें फॉस्फेट लगते हैं एंड न्यूक्लियोटाइड्स में लगेगा और फॉस्फो रिलेशन रिएक्शन में यूज होगा क्योंकि मुझे एटीबी बनानी है एटीबी बनाने के लिए बच्चों फॉस्फेट मुझे चाहिए पोटेशियम आ जाओ मेंटेन करेगा मेंटेन करेगा कैटायन एंड एनायन का बैलेंस को और क्या करेगा टर्जिडिटी को बना के रखेगा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में हेल्प करेगा ओके okay, मुझे बहुत हंसी आ रही है पता नहीं क्यों कैल्शियम बच्चों कैल्शियम का क्या काम था माइटोटिक स्पिंडल बनाना सेल डिवीजन कराना ओके okay, और मेरा सेल वॉल बनाएगा क्यों क्योंकि इसके पास होता है कैल्शियम पेक्टेट का मेरा सेल वॉल बनता है अब आ जाओ मैग्नीशियम बड़ा ही जरूरी है काइनेज पॉलीमरेज पता नहीं कितने कितने एंजाइम्स को ये एक्टिवेट करता है जो रेस्पिरेशन में लगते हैं फोटोसिंथेसिस में लगते हैं डीएनए आर के रेप्लीकेशन में लगेंगे डीएनए के रेप्लीकेशन में लगेंगे क्लोरोफिल बनाने में भी ये हेल्प करेगा बिल्कुल सेंटर में बैठा रहता है बच्चों बिल्कुल सेंटर में बैठा रहता है क्लोरोफिल के ओके okay, राइबोसोम का जो स्ट्रक्चर है दो ये जो यूनिट थे मैंने बताया था इनको जोड़ के रखेगा आ जाओ सल्फर पे सल्फर आपको मिलेगा दो अमीनो एसिड में सिस्टीन एंड मिथ्योनिन में ठीक है सिस्टीन एंड मिथ्योनिन में एंड दिस इज ऑल्सो कॉन्स्टिट्यून ऑफ वचो विटामिन थामिन बायोटिन को ए फेरीडॉक्सिन ये सब का कॉन्स्टिट्यूंट है आयरन पे आ जाओ जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स थे सबसे ज़्यादा आपको चाहिए आयरन ओके okay? अच्छा जो मैक्रो थे या फिर जितने भी न्यूट्रिएंट्स सबसे ज़्यादा आपको नाइट्रोजन चाहिए होता है ठीक है जी माइक्रो की बात करें तो आयरन चाहिए और ये क्या करता है ये बच्चों एब्सॉर्ब होता है इस फॉर्म में और फैरस को मैं फैरिक में बदल देती हूं इस तरह से मेरे इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है ओके इस तरह से मेरे इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है बच्चों ओके यस यू आर फॉस्फेट यू आर फॉस्फेट बच्चा यू आर फॉस्फेट तनु यू आर एब्सोल्यूटली राइट यस ओके हा अगर मुझे क्लोरोफिल बनाना है तो उसके लिए भी आयरन चाहिए होगा फेरिडॉक्सिन साइटोक्रोम आर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करते हैं गेन करते हैं लूज करते हैं उसके लिए भी बच्चों मुझे चाहिए आयरन ये क्वेश्चन पूछा गया है फेरिडॉक्सिन और साइटोक्रोम में क्या होता है आ, मैंगनीज मैंगनीज का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टू लिबरेट ऑक्सीजन इसके बिना और उसके साथ क्लोराइड भी आता है उसके साथ क्लोराइड भी आता है आ जाओ बच्चों जिंक पे जिंक बच्चों मुझे क्यों चाहिए ऑक्सिन बनाने के लिए चाहिए और एक्टिवेशन करने के लिए चाहिए कार्बोक्सिलेस का कॉपर आ गया कॉपर भी बच्चों क्यूपरस से मैं क्यूपरिंग में कन्वर्ट कर देती हूँ तो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है रिडॉक्स रिएक्शन में हेल्प करता है इलेक्ट्रॉन लिया दिया लिया दिया ओके चलिए जी आ, बोरोन को मैं बोरेट या टेट्राबोरेट के फॉर्म में एब्जॉर्ब कर सकती हूँ जरूरी है मुझे कैल्शियम के अपटेक के लिए बहुत बहुत जरूरी है बच्चों ठीक है एंड पॉलन जर्मिनेशन के लिए जरूरी है कार्बोहाइड्रेट्स के ट्रांसलोकेशन के लिए जरूरी है अब मुझे मुझे बता दो, <coughs> मुझे बता दो दो कि ये सब या, अरे अरे दो और रह गए भगवान दो और रह गए बच्चों नहीं 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 नो 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 वी कांट स्टॉप ओके मॉलिपिनम अच्छा जी ये किसमें नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में काम करेगा नाइट्रोजिनेस का पार्ट है नाइट्रोट रिडाटेज का पार्ट है क्लोराइड आयन भी हेल्प करेंगे एनायन और कैटायन का बैलेंस मेंटेन करने में और ये भी आ जाएगा बच्चों स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में आपका आ जाएगा सात बजे आपका एक सेशन है ठीक है अभी ओपन हाउस में दस मिनट के लिए ले लेती हूँ दैट सात बजे आपका एक सेशन है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों उस सेशन में सबको आना है लिंक मैंने यहाँ पे पिन कराया हुआ है एंड यस इफ यू आर लुकिंग फॉर अ स्ट्रटिजिक अच्छा स्ट्रक्चर कोर्स तैयारी अच्छी हो जाए आपका इंटरेक्शन हो टीचर के साथ आपको डाउट सेशन मिले बच्चों आपको नोट्स मिले डी मिले तो आप प्लस पे मेरे साथ आके पढ़ सकते हो आइकॉनिक में आपको पर्सनल कोच मिलता है स्टडी प्लानर मिलता है एक तरह से ऐसा होता है देर इज समबडी टू होल्ड योर हैंड वो बिल्कुल आपको गाइड करते हैं कि ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए आप इधर से पढ़ो इस तरह से टाइम मैनेज करो आपको आपके पर्सनल डाउट सॉल्विंग सेशंस भी मिलते हैं बच्चों और आप मेरा कोड लगा सकते हैं गार्गी जिससे आपको 10 परसेंट ऑफ तो मिलता है इसके साथ साथ मेरा गाइडेंस भी मिलता है बच्चों आपको ठीक है मैं नोट्स आपको आज शेयर कर दूंगी एंड बच्चों प्लीज डोंट फॉरगेट टू टेल मी इन द कमेंट सेशन की आपको सेशंस कैसे लग रहे हैं लाइक like, अगर कर दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा शेयर कर दोगे तो बच्चों इट वुड mean द वर्ल्ड टू मी मेरी भी हेल्प हो जाएगी मुझे भी अच्छा लगेगा एंड मुझे भी ये भी अच्छा लगेगा कि दूर दूर तक जो दूसरे बच्चे हैं उन तक भी थोड़ा सा उनका भी preparation हो जाए ओके okay, जी एंड बच्चों ये एक अपना ऑफर चल रहा है जहाँ पे छः महीने पे आपको दो महीने फ्री है बारह पे तीन चौबीस पे चार कोड तुम्हें पता है कोड इज गार्गी अब आपके पास बच्चों टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन बैंक का भी सब्सक्रिप्शन है अगर कोई बच्चा नहीं ले पा रहा प्लस का सब्सक्रिप्शन तो वो ये भी ले सकता है दैट विल ऑल्सो हेल्प यू ओके okay, जी ये बैचेस चल रहे हैं अन अकेडमी पर तुम डाउट भी पूछ सकते हो अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है एंड प्रोड जी ये वाला तो चला गया बच्चों अगला प्रोड जी जरूर एनरोल करा लेना आई थिंक अब मुझे निकलना चाहिए अब मैं ओपन हाउस चाहती हूँ <laughs> ठीक है आज टेस्ट नहीं होगा बच्चों आज वी हैव अ सेशन जिसमें मैं आपको डिस्कस करूंगी कि बैकलॉग कैसे फिनिश करें ओके okay, बच्चो चलो आज मैं बहुत थक गई <laughs> है ना तुम भी थक गए हो गए कोई चलो कभी कभी ऐसा हो जाता है बच्चों लेकिन इस चीज़ को ऐसे नहीं करना कि आज तो मैं बहुत थक गई आज मैं ये काम नहीं करूँगी नो यू हैव टू पुश योर सेल्फ ओके बच्चो चलो बाय बाय टेक केयर आई एम गोइंग टू शेयर द लिंक ऑफ